जनता की समस्याओं के समाधान के लिए महीने के पहले और तीसरे शनिवार को प्रत्येक थानों पर थाना समाधान दिवस का आयोजन किया जाता है, जिसके तहत शनिवार को जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन और एसएसपी शलभ माथुर ने पिपराइच थाने पर जाकर फरियादियों को समस्याओं को सुना तथा पुलिस और राजस्व की टीम भेजकर उसका समाधान किया। आज के थाना दिवस पर अधिकतर मामले जमीनी विवाद और पारिवारिक विवाद के आए, जिसको संज्ञान में लेते हुए डीएम और एसएसपी ने उसके निस्तारण के निर्देश दिए। इसके अलावा पिछले थाना दिवस में आए मामलों के निस्तारण को भी संज्ञान में लिया। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी शलभ माथुर ने बताया। कार्यालय में पता भी है, पता भी नहीं सर, ये पत्र नहीं तो फर्जी 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 बस इतनी बात है। प्रधान ने काट दिया रसीद, बासठ में तो कहा, बासठ में तो इनने कह रहे थे बैठक के लिए हम तो ये कर रहे हैं। बाकी लोग अभी नोटिस देंगे, हम तो सारी मकान को बना हुआ गाँव में, घर में हम कितने बार मेरे द्वारा और जिलाधिकारी महोदय द्वारा आज थाना पिपराइच के अंदर थाना समाधान दिवस में विजिट किया गया था। जो ज़मीन संबंधी विवाद है और उसके अंदर जहाँ राजस्व और पुलिस की ज्वाइंट टीम की आवश्यकता थी, वहाँ पर टीमें भी भेजी गई हैं। जो पिछले जो प्रकरण आए थे थाना दिवस के, उसका भी फीडबैक लिया कि उनका निस्तारण हुआ कि नहीं, और निस्तारण हुआ तो किस लेवल का हुआ। इसी तरह पूरे जनपद में जो कंसर्न पुलिस के और राजस्व के अधिकारी थे, उनके द्वारा ज़मीन के मैटर्स के अंदर जो यही प्रक्रिया अपनाई गई, प्रयास ये है कि इस तरह के लगातार हम लोग जो ज़मीन संबंधी विवाद हैं उसके अंदर कमी लेके आएँ और उनका क्वालिटी डिस्पोजल करें।